ये हमारे मैमुनिसा का लाइसेंस है। मैमुनिसा कांग्रेचुलेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं अभी हूँ गोवा के मापसा सिटी में। तो मैं अभी आया था आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस तो आप जानते हो, ट्रांसपोर्ट का जो होता है वो ऑफिस होता है, तो वहाँ आया हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, हमारी जो धर्म पत्नी है मैमुनिसा हिप्सू, तो उसने 7 महीने पहले जो है लाइसेंस का टेस्ट दिया था और वो पास भी हो गई थी, लेकिन उसका जो लाइसेंस है वो घर नहीं आया था। बट अभी हम मैं और वो जो है सुबह आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि वो फ़ोटो जो था उसमें उसके कान नज़र नहीं आ रहे थे, तो वो रिजेक्ट हो चुका था। तो 7 महीने बाद हम लोग आए और सुबह में मैंने उसका फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खिंचवाया यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि दोपहर में आइए लाइसेंस लेके आइए। तो ये देखिए हमारे मैमुनिसा का लाइसेंस आ चुका है, तो ऑफिशियली अभी वो ड्राइविंग कर सकती है और करती भी है वो ड्राइविंग। मैं उसको नहीं देता था गाड़ी क्योंकि उसके हाथ में लाइसेंस नहीं था, तो अभी वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि बहुत टाइम से वो अपने लाइसेंस का वेट कर रही थी। नज़र जो है आप लोग ये मापसा बस स्टैंड के ऊपर डाल दीजिए, ये पुराना बस स्टैंड है मापसा का, तो उसी के अंदर जो है आरटीओ भी है, और ये यहाँ का एक फेमस चौक है जो महात्मा गांधी है सामने, ये देखिए। मैंने उनको यहीं पे आने के लिए बोला हुआ था, तो यहीं वेट करता हूँ उनका। वो नया वाला बस स्टैंड है, आप अगर वहाँ पे अंदर देखोगे तो ज़्यादा खुश हो जाएगी वो जब देखेगी तो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने अपना लाइसेंस जो है पास कर लिया था। बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि वो पहले ड्राइव करती भी नहीं थी। तो गाड़ी गनी भी हमारे साथ में आया है, और गनी भी किसी रीज़न से आया हुआ है गोवा वापस, तो वो भी साथ में आया है, तो वही ड्राइव कर रहा है अभी मेरी गाड़ी, उसके साथ पहुँचा। और इमाद भी है, बोला कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, जाओ गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, तब तक जाके मैं जो लाइसेंस है वो कैरी करके आता हूँ। तो सामने ही पेट्रोल पम्प है, उसी में है, थोड़ा मैं वॉक करके जा रहा हूँ उनके पास, क्योंकि वेट करूँगा तो वहाँ से उनको बहुत लंबा यू टर्न लेके आना पड़ेगा। ये नया बस स्टैंड इन्होंने बनाया हुआ है वॉल्वोज और बाहर से स्टेट से जो गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए, और इस वाले पेट्रोल पम्प पे वो लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे। कहाँ है गाड़ी नज़र आ रही है क्या आप लोगों को? चलो देखते हैं, पहले तो यहाँ से क्रॉस करते हैं। ये हाईवे के बगल में थोड़ा गाड़ियाँ जा जाकर कीचड़ हुआ हुआ होता है। चलिए क्रॉस करते हैं अभी। वो देखिए सामने आ गई मेरी गाड़ी, और चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। और ये रहे हमारे गनी भाई, और हमारे मैमुनिसा का लाइसेंस। एक्सक्यूज मी, ये हमारे मैमुनिसा का लाइसेंस है। मैमुनिसा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये देखिए बाबा इमाद, इमाद मम्मा का लाइसेंस आया। मम्मा अभी गाड़ी में बैठेगी सीधा और हवा में उड़ाएगी। चलो आ जाओ गनी भाई, हाय बोलो व्यूवर्स, बहुत दिन से तुमको ढूंढ रहे थे, हाय बोलो भाई। हाय। देखिए गनी भाई का लुक भी देखिए, नया वाला लुक विथ बियर्ड। 50 तोला चैन, चैन दिखाओ भाई 50 तोला। देखिए बाहर से आने के बाद ये सिर होता है 50 तोला। पूरा लुक देखिए, देखिए एकदम मलबारी डॉन लग रहा है। देखिए पागल हो गई है ये, लाइसेंस देखिए, चेहरा देखिए इसका। हमारे खानदान की शायद फर्स्ट 4-व्हीलर लाइसेंस होल्डर है ना आशिफ गनी भाई। चलिए फिर चलते हैं, ये गनी भाई भी बैठे हैं, जब से ड्राइव कर रहे थे इनको पेट्रोल डलवाने के लिए बोला था। ये अपनी गाड़ी है देखिए आप लोग, कतर की तो गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी। ये मेरी यहाँ पे नेक्सॉन है, ये भी आपने पुराने ब्लॉग्स में देखी है। और ये हमारी सबसे बड़ी गाड़ी हिमाड़ी। लाइसेंस इसमें आसिफ दिख रहे ना, तो हम भी अभी चलो। सीट बेल्ट हर जगह पे लगाना ज़रूरी होता है, जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, सीट बेल्ट भी ज़रूरी। अब गाड़ी सीखी हो तो आपको सेफ्टी मेजर्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, सीट बेल्ट हो गया और कुछ जो भी है। चलो ये देखिए इस तरह के रोड और इस तरह की हरियाली होती है यहाँ पे। अभी बारिश गिर रही है तो पूरी हरियाली हो गई है। नॉर्मल डेज पे यहाँ पे कैसा होता है कि पूरा ये सूखा हुआ होता है। और थोड़ा धीरे जाएंगे हम लोग अभी, यहाँ से देखिए वहाँ पे एक टेम्पल भी आपको नज़र आएगा, बोड़गेश्वर, बहुत ही फेमस टेम्पल है। अगर जूम करके देखेंगे, देखिए किसी दिन इस टेम्पल का भी आपको बता के दिखाएंगे हम लोग। अभी तो बस चलो आगे आगे बढ़ो। तो गोवा की खूबसूरती गाइस देखिए, नारियल के पेड़ और ऐसे चर्चेस, चर्च जो है यहाँ पे बहुत है और बहुत खूबसूरत है, पोर्चुगीज आर्किटेक्चरिंग के साथ है।
देखिए बड़ा मजा आता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल है ना गोवा, और बारिश के मानसून में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए लाइसेंस होल्डर के पास लाइसेंस आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि ये खुली जगह है, यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां भी नहीं है, तो क्यों ना वो ड्राइव करके देखेगी अभी। चलो लाइसेंस होल्डर, लेट्स ड्राइव। आपको वहां से आगे जाना है, टर्न मार के आना है। चलो तो अब देखिए गाइस, ये गाड़ी में बैठेगी, चलाएगी, चलाती है ये। इसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पास कर लिया, वैसे लड़के भी बहुत फेल होते हैं यहाँ पे, बट इसने पास कर लिया, उसको खेलने दो। तो ये देखिए गाइस, ये अभी जा रही है गाड़ी लेके। तो ये है हमारी लाइसेंस होल्डर, देखिए बढ़िया से चला लेती है वो गाड़ी, बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी भी मेरे जाते हुए, देखिए वाओ। बाय बाय, देखिए गाड़ियों के लिए प्यार है और आदमियों का गाड़ियों के लिए जो प्यार है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए तो गाड़ी को ना गाइस, तकरीबन दो दिन से धुलने के बाद इतना प्यार से चला रहा हूँ, एक देखिए यहाँ पे, देखिए आप, एक छींटा नहीं है। इसको मैंने अभी सिर्फ दो मिनट के लिए दिया, ये देखिए पूरी मेरी गंदी गंदी कर दी गाड़ी, मेरी पूरी गंदी कर दी इसने। चलो आ जाओ, कैसे लगा? Number one. Say yes. You like mama's driving? Yes. Did you like mama's driving? Say mama? Yes. Suppose me. ये last है यार, इसके बाद तुम्हारी जो गाड़ी है ना, इसके लिए भी एक गाड़ी है वहाँ पे, दो गाड़ियाँ, ये मेरी है और एक हमारे पास स्विफ्ट है मेरी, वो स्विफ्ट इसको दूंगा मैं और ये मैं चलाऊंगा। ये मेरी प्यारी गाड़ी है, वो भी मेरी प्यारी है, बट ठीक है उसको दे देंगे अभी। थोड़ा आगे से भी व्यू देखते हैं, क्योंकि आज फौजिया का लाइसेंस भी आया, तो गाड़ी उसी के पास दी है हमने, उसको बोला है कि आगे गाड़ी लेके आओ। और यहाँ से देखिए आप, फौजिया जो है गाड़ी लेके आ रही है, हिमाद भी उसके साथ में बैठा हुआ है, देखिए। तो ये था हमारा एक वीडियो, जिसमें आपने देखा एक बढ़िया सा खूबसूरत सा प्लेस, और फौजिया का लाइसेंस भी आ गया, उसकी ड्राइविंग भी आपने देख ली। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।